तो टेक्निकल खेती में फिर से आपका स्वागत है। ये आप देख रहे हैं गन्ना, यहाँ पे जो इसकी ये बट थी वो मेन वो ख़त्म हो गई थी। ये उसकी शाखा थी, ये वाली जो शाखा थी इसकी, क्योंकि कीटनाशक का प्रयोग ना के बराबर ही किया है मैंने अपने खेत में, तो ये जो शाखा थी इसकी सूख गई थी। ये देखिए, ये इसकी शाखा सूख गई थी मेन। तो हमने जो अपनी दवाई बायोरक्षक का स्प्रे किया था उसके बाद से ये देखे फुटेर आपका लेके यहाँ से, और ये निकल गया पौधा। ये देखिए यहाँ तक अच्छा बना हुआ है, और ऐसे आप इसमें देख सकते हैं वो वहाँ पे जाके ये फुटेर चल पड़ी है। और आप हेड गन्ने की हेड देख रहे हैं, एक बार मैंने इसकी स्प्रे की थी, ये देखिए कम से कम भी ये मान ले 8 से 9 फुट गन्ना। ये देखिए आप, एक नहीं को सभी गन्ने आपको मैं ये कैमरा तो घुमा नहीं सकता, पर क्योंकि वीडियो रुक जाएगी आपकी, मैं दिखा देता हूँ। मेरा हाथ वहाँ तक जा रहा है, देखिए कम से कम 7 फुट बैठता है मेरा हाथ खड़ा करके, तो इससे ऊपर भी आप देखिए कम से कम 2 फुट गन्ना है। ये देखिए 2 फुट गन्ना है, मेरी उंगली देखिए कहाँ तक जा रही है, और मैं खड़ा हूँ यार, ना कि बैठा नहीं हूँ, देखिए आप। और ये 7 फुट तक मेरा हाथ जाता है, 7.5 फुट तक दो बिलांद करके, और तो हमारा गट्ठा बन जाता है, ये यहाँ तक जा रहा है। अभी कम से कम भी 2 फुट गन्ना और बाकी है, मतलब ये सारी हमने बंधवाई नहीं है ईख, और आप देख भी रहे हैं सारा गन्ना ऐसा ही है। ये देखिए ये नीचे तक सारा गन्ना ऐसा ही है, मतलब हमारी दवा का इसमें काफ़ी अच्छा, मेरे को रिजल्ट पहली बार लगाई थी मैंने गन्ने में। वैसे पपीते में जाती है हमारी वायरस की दवा, और मैंने गन्ने में पहली बार लगाई थी, तो अच्छा रिजल्ट आया इसका, मतलब रोग से कोपा बोइंग से देखिए आप सभी पौधों में आया हुआ था, सभी पत्तियों में था, सभी पेड़ों में था रोग। ये कुछ पौधे तो कर सही, देखो सभी तो नहीं हो पाए, देखिए जैसे ये नहीं हो पाया, बहुत ही मतलब सभी पौधे ज़्यादातर सही हो गए हैं। ये देखिए कटिंग वटिंग के से पत्ते जो आपको दिख रहे हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ, देखिए हाइट गन्ने की, ये देखिए आपको मैं पोरी भी गिनवा सकता हूँ। ये देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17 और 18, 19 पूरी कम से कम बनी हुई है, और इससे पीछे वाले में तो कम से कम 20 होंगी। ये जो देखिए आप देख रहे हैं ये वाला गन्ना, तो ये गन्ना बंधा हुआ है नहीं हमारा, देखो है खुला हुआ सारा, इसीलिए आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है अजीब तरीके का, पर गन्ने में वजन काफ़ी अच्छा है और गन्ने की मोटाई भी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए आप, गन्ने की मोटाई भी काफ़ी अच्छी है, मतलब ये देखिए ऊपर तक बिल्कुल गन्ना इकसार है, जैसा नीचे से चला ऐसे ऊपर तक है। ये देखिए गन्ने की मोटाई नीचे से भी इतनी है और ऊपर से भी इतनी ही है, गन्ना ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम है। तो बंधने से गन्ना जो है पतला पड़ जाता है, किसान भाई का ध्यान रखें कि गन्ने को बांधे ना। ये देखिए आप, ये नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक सार है गन्ना, जो गन्ने की अगर अमूमन हाइट लगाए तो 14 से 15 फुट होगी कम से कम, जो पूरी चुटिया लगाए इसकी पत्तों की ऊपर तक। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद जय भारत।